जयहद मेरे प्यारे साथियों उम्मीद है कि आप पूरी तरह से मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे तो आपका स्वागत है आज बिहार पुलिस सभी का स्वागत है आइए लेकर चलते हैं ये क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 की तैयारी शुरू करते हैं और कुछ प्यारे और शानदार से सवाल लेकर चलते हैं शुरुआत में मुझे कंफ्यूजन हो गया कि मुझे लगा ये दूसरी स्लाइड आ गई है दूसरी पीपीटी आ गई है तो मुझे लगा क्वेश्चन आपके लिए कुछ अलग आ गए लेकिन चलिए से लेकर चलते हैं पूछा एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है यानी एक सामान्य मनुष्य के दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्लियर विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बींग कितना होगा चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं ठीक ना तो बताइए क्या होने वाला है 25 सेंटीमीटर बिल्कुल बेहतर जवाब है लेकिन अगर ये तो न्यूनतम दूरी है अगर हम अधिकतम दूरी की बात करें तो क्या होती है अनंत होती है तो अधिकतम दूरी जो होती है अनंत होती है और न्यूनतम दूरी क्या होती है तो न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है पच्चीस सेंटीमीटर और आंखों की यह क्षमता आंखों की यह क्षमता जो फोकस को फोकस दूरी को आंखों की यह क्षमता जो लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करती है उसको हम लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं क्या कहते हैं हम लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं तो चलिए आगे चलते हैं यह ह्यूमन आई है और आप ह्यूमन आई के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर रेटिना सबसे अंदर रेटिना की परत पाई जाती है उसके बाद रक्ताफ पटल पाया जाता है रक्ताफ पटल और उसी रक्ताफ पटल के आगे जो है ऊपर जो है क्या पाया जाता है उसके ऊपर आपके पास पाया जाता है सबसे ऊपर स्क्लेरोड एक तरह से कहते हैं दृढ़ पटल पाया जाता है जो सुरक्षा करता है रेटिना पर ही यहां पर एक येलो स्पॉट होता है यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है ठीक ना पीत बिंदु बोलते हैं मैकुला ल्यूटिया कहते हैं और ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज का निर्माण नहीं होता है तो बाकी चीज आप जानते हैं इसको एक्वस ह्यूमर इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं लेंस सिलियरी मसल्स ठीक है चलिए एक और सवाल आपसे पूछा हुआ है कि कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है इसका जवाब दीजिएगा इसका जवाब दीजिएगा सारे सवाल जो है आपसे जुड़े हुए सवाल आए हुए हैं ठीक ना बताइए क्या होगा इसका सही जवाब कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है तो आप जानते हैं कि कार के रेडिएटर में जो पानी होता है वो क्या करता है हीट एब्जार्बर का, का काम करता है और हीट एब्जार्बर का काम इसलिए करता है अवशोषक है क्योंकि उसकी विशिष्ट क्षमता क्या होती है ज्यादा होती है अच्छा विशिष्ट क्षमता विशिष्ट उष्मा को क्या कहते हैं वह उष्मा की मात्रा जो एक किलोग्राम एक किलोग्राम जल का तापमान एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक हो उसी को विशिष्ट उष्मा कहते हैं और विशिष्ट उष्मा का मात्रक जल के लिए वन कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोग्राम होता है ठीक है यह होता है ओके कोई डाउट तो नहीं होगा चलिए आगे चलते ये सवाल एक है इसमें पूरी तरह से आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये सवाल का लेवल थोड़ा देखिएगा एक बेहतरीन एक अलग तरह का लेवल है इस सवाल का चलिए इसमें आपसे पूछा गया है किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर के, जो फायर फायर के के किए जाने बाद पीछे हट जाती है जो गोली के प्रति राइफल का गति ऊर्जा के अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है अब ये चार चीजें आपके पास दी हुई हैं आप जानते होंगे इसमें से क्या होगा लिखा है गोली के प्रति राइफल की गति ऊर्जा का अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है एक होता है एक से कम होता है क्या होता है जैसे अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ये राइफल है और ये राइफल के अंतर्गत क्या है कोई गोली रखी हुई है अगर हम मान लेते हैं कि गोली 100 ग्राम की है और गोली 100 ग्राम की है राइफल आपका 500 ग्राम का है मान लेते हैं 500 क्या इसको तो हजारे ग्राम मान लो या पांच ही ग्राम मान के क्वेश्चन करते हैं अब एक बात समझिएगा शुरुआत में राइफल के अंदर गोली थी तो दोनों क्या थे विराम अवस्था में थे लेकिन अगर गोली चल जाए तो गोली के चलने के बाद गोली का वेग आगे है 100 मीटर पर सेकंड का वेग होगा मान लेते हैं तो राइफल का वेग किधर जाएगा राइफल पीछे की तरफ जाएगा तो हम कहते हैं कि जो बंदूक का वेग होगा बंदूक का संवेग और गोली का संवेग दोनों बराबर यही तो होगा हम कहते हैं संवेग यह किस पर निर्भर करता है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है तो संवेग संरक्षण के नियम क्या कहता है जिसका संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा संवेग संरक्षण का नियम और गति ऊर्जा में देखिएगा गति ऊर्जा कहता है पी स्क्वायर अपॉन टू एम और पी क्या है संवेग है तो जिसका संवेग ज्यादा होगा उसकी गति ऊर्जा ज्यादा होगी संवेग किसका ज्यादा होगा तो संवेग होता है मास इनटू वेलासिटी तो जिसकी वेलासिटी ज्यादा उसका संवेग ज्यादा तो गोली की गति ऊर्जा ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है तो गोली का द्रव्यमान ज्यादा है गोली का वेग ज्यादा है इस वजह से एक से अधिक आ जाएगा रेडियो तरंगों के संचरण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर प्रयुक्त होता है जवाब दीजिएगा आप जानते हैं सबसे नीचे क्षोभ मंडल पाया जाता है फिर समताप मंडल मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल आयन मंडल और मंडल पाया जाता है सबसे नीचे शोभ मंडल मंडल फिर समताप मंडल फिर आयन मंडल आयन मंडल और फिर आपका क्या नहीं, मध्य मंडल फिर आयन मंडल यहां पे आता है मध्य मंडल और फिर आता है आपके पास आयन मंडल और फिर आता है बहिमंडल यही होता है बहिमंडल अच्छा यही इसमें अगर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो आप समताप मंडल तो केवल ओजोन की परत के लिए फेमस है ना यहाँ पर तापमान समान है इसलिए फेमस है लेकिन क्या यहाँ पर रेडियो के तरंग के संचरण की व्यवस्था होगी नहीं होगी ना सही जवाब तो आयन मंडल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आयन आयन है और यहीं पर अरोरा की घटना भी होती है जो ज्यादा रोशनी आती है वो भी घटना अरोरा की यही पर होती है आ, सबसे कम तापमान किसका होता है मध्यमंडल का तो सबसे कम तापमान अगर पूछा जाए तो मध्यमंडल का है तापमान समान कहां है तो समताप मंडल का और मौसम संबंधी घटनाएं कहां होती है तो क्षोभ मंडल में चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं यहां पूछा हुआ है कि प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण क्या करता है प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर होते हैं, निगेटिव रिचार्ज इन एम्पलीफायर, पुनर्भरण का मतलब फिलिंग की बात करते हैं प्रवर्धक में ऋणात्मक पर... क्या करता है निगेटिव चलिए यहां पर देखिएगा प्रवर्धक का मतलब होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है एम्पलीफायर किसी भी आवाज को बढ़ाने का काम करता है एम्पलीफायर आवाज को क्या करता है बढ़ाने का काम करता है ठीक है लेकिन अगर हम प्रवर्धक कैसा ले लिए ऋणात्मक ले लिए तो यह क्या करेगा आवाज को यानी शोर को क्या करेगा बढ़ाने के जगह पर घटाने का काम करेगा ठीक है आप ध्यान से सोच लीजिए निगेटिव पुनर्भर प्रवर्धक में निगेटिव मैंने उसका निगेटिव वर्ग क्या करेगा शोर को घटाने का काम करेगा जब शोर को घटाने का काम करेगा तो शोर कैसे घटेगा बैंड की चौड़ाई घटाकर या बैंड की चौड़ाई बढ़ाकर बैंड की चौड़ाई जितनी बढ़ेगी उतना ही शोर क्या होगा जितना बैंड की चौड़ाई बढ़ेगी नहीं तो शोर का मान पीक पर चलता जाएगा ठीक है तो ए ऑप्शन यहां पर सही है एक सवाल और आपसे पूछा गया है विद्युत धारा से लगी आग बुझाने के लिए ध्यान से सुनेगा क्या पूछा गया विद्युत धारा से विद्युत धारा से लगी आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्यों जल का प्रयोग अच्छा मान लो कई इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है इलेक्ट्रिक की सप्लाई आई और उसी से आग लगी हुई है आप क्या सोच रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक की सप्लाई से जो आग लगी हुई है इलेक्ट्रिक की सप्लाई से उस आग को कैसे बुझा पाएंगे आप आप अगर जल से बुझाएंगे तो क्या होगा जल में तो विद्युत अपघटन हो सकता है और विद्युत अपघटन की वजह से आयन निकल सकते हैं यहां पर आयन की उपस्थिति नजर आने वाली है उसमें उसके तारों में खराबी आ सकती है उससे जल अपघटन हो सकता है विद्युत अपघटन जल अपघटन हो सकता है सॉरी क्या हो सकता है जल अपघटन की केस हो सकते हैं और इस वजह से आयन उत्पन्न हो जा सकते हैं और जो लोग पानी फेंक रहे या पानी डाल रहे वो भी उसके संपर्क में आ सकते हैं तो जल अपघटन की प्रक्रिया होगी जिसमें को तोड़े तो टू एच प्लस और साथ में हाफ ओ टू ठीक ना हाफ ओ टू माइनस यहां पर ऐसे कहानी बनती है इलेक्ट्रॉन आयंस बनते हैं ये एक आप जानते हैं कि पेरिस्कोप दूरदर्शी बनाई जाती है ना तो, दूर की वस्तु को पास में देखने के लिए वैसे ही एक दूरदर्शी पेरियस्कोप है पेरियस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है ये पेरियस्कोप देखिए आपको दिख रहा होगा यहां पर एक दर्पण लगाया गया है एक दर्पण यहां पर लगा एक व्यक्ति यहां से देख रहा है यहां पर कोई वस्तु है तो पेरियस्कोप में देखिए एक बार यहां परावर्तन एक बार यहां परावर्तन तो सही जवाब यहां पर क्या बनता है परावर्तन बनता है क्या बनता है परावर्तन डी ऑप्शन सही बनता है बी नहीं डी सातवें का क्या सही होगा डी होगा अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछेगा तो हीरा बताएंगे ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिरीचिका बताएंगे हीरा बताएंगे मिरीचिका हो गया हीरा हो गया और क्या हो गया ऑप्टिकल फाइबर हो गया ऑप्टिकल फाइबर हो गया इन सभी में होगा अपवर्तन की घटना कहां होगी जब प्रकाश वायु से जल में जाएगा इस तरह के जगहों पे होगा ठीक है इसका हाँ एमडी क्लासेज के अगर ऑफिशियल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जू, पे जुड़ते हैं वहां पे भी इसका तो पे मिल जाएगा आपको ठीक है यहां पर क्या करेंगे प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है ये देखिए ये आपके पास विरल माध्यम है और ये आपके पास सघन माध्यम है तो जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश आ रहा है विरल से सघन माध्यम में तो प्रकाश नजदीक मुड़ेगा तो यह घटना क्या कहलाएगी अपवर्तन कहलाएगी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने पथ से विचलित हो जाए तो इस घटना को हम क्या कहेंगे अपवर्तन कहेंगे और इसका ट्रिक हमने आपको बताया हुआ है बेसन याद है न से होता है नजदीक न से क्या होता है नजदीक स से क्या होता है सघन और ब से क्या होता है बिरल तो बिरल से सघन जाने पर प्रकाश कहाँ मुड़ेगा नजदीक मुड़ेगा और दूसरा दसवीं आपको याद होगा दसवीं का क्या मतलब है जब प्रकाश सघन से बिरल माध्यम में जाएगा तो कहां जाएगा दूर जाएगा तो यहां पर अपवर्तन की घटना देखने को मिलेगी क्या देखने को मिलेगी अपवर्तन की घटना वाहनों के अब ये जवाब तो आप दे देंगे वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी रियर मिरर की बात कर रहा है पूछ रहा है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है एक बार जवाब दीजिएगा मिला है यूनिक है हिमांशु है ट्रकर है मैथ वाले अंजू है खुशबू है कुंदन है जवाब क्या होगा यहां पर उत्तल अवतल समतल और उल्टा यहां पर सबने एक ही जवाब दिया है कि सर जी उत्तल उत्तल दर्पण का यही पर इस्तेमाल किया जाता है रियर व्यू मिरर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है यानी साइड मिरर के तौर पर हम पीछे की दृश्य को देखते हैं और एक रोड लाइट में इस्तेमाल करते हैं रोड लाइट में तो रोड लाइट में प्रकाश को फैलाना होता है तो वहां इस्तेमाल करते हैं जबकि अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं कोई हाँ सेविंग कराने जाता है तो वहां इस्तेमाल होता है दांत के डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के हेडलाइट में होता है तो यहां पर याद रखेगा नाई की दुकान पे आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा दांत के डॉक्टर दिखेंगे दांत कान के डॉक्टर दिखेंगे गाड़ी की हेडलाइट दिखेगी हेडलाइट सोलर कुकर दिखेगा सोलर कुकर दिखेगा और टार्च दिखेगा टार्च ये सारे जगहों पे ये दिखाई देने वाला है यहां पर पूछा है हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं जो हृदय से ब्लड को दूर लेके जाए हृदय से ब्लड को दूर लेके जाए उसको क्या कहेंगे देखो चार ऑप्शन है वेंस को सिरा कहते यहां पे लिम्फ डक्ट कैपिलरीज आर्टरीज और वेंस नस नहीं इसको सिरा कहेंगे तो यहां पर धमनी सही जवाब होगा अब एक बात याद रखेगा जो हृदय में लेकर आती है उसको सिरा कहते हैं जो हृदय में लेकर आती है उसको क्या कहते हैं सिरा कहते हैं। और जो हृदय से दूर जाती है उसको धमनी कहते हैं हृदय से जो दूर जाएगी उसको क्या कहेंगे धमनी और जो हृदय में लेकर आएगी उसको क्या कहेंगे सिरा ये हमेशा याद रखिएगा इसको वैसे महाधमनी कहेंगे और इसको हम लोग फुफ्फुस धमनी कहेंगे फुफ्फुस धमनी इसको हम महासिरा कहेंगे और इसको हम फुफ्फुस सिरा कहेंगे फुफ्फुस सिरा कहें क्लियर है चलिए अब ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा युद्धा एकदम छा जाता है पूछा है आधुनिक आवर सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है बताइए आधुनिक आवर सारणी में परमाणु त्रिज्या कहां बढ़ेगी थोड़ा इसके बारे में बताइए आधुनिक आवर सारणी आप जानते हैं ना परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर सारणी किस परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक क्या होता है जेड यानी परमाणु क्रमांक होता वैसे है प्रोटॉन की संख्या और आप जानते हैं 118 तत्व है कुल और इस 118 तत्व में धातु की संख्या कितनी है और अधातु की संख्या कितनी है और साथ में यह भी बता दो तो, उपधातु की संख्या कितनी है तो धातु की संख्या है तिरानबे अधातु की संख्या अठारह और उपधातु की संख्या है सात ठीक है ना याद रखना एक और बात क्या पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट से राइट यानी आवर्त में क्या होती है घटती है आवर्त में घटती है और समूह में बढ़ती है तो आवर्त में घटती आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है गलत बात लिखा है आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर आवर्त में बाएं से दाएं दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है ये तो सही है ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे जाने पर सबसे ज्यादा सही यही है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है क्योंकि दाएं से बाएं पढ़ने का रिवाज है नहीं ठीक है तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या परमाणु ज्यादा बड़ा होता चला जाता है ठीक है तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा सही आंसर होगा ठीक है आवर्त में दाएं से बाएं जाने का होता नहीं है वैसे ठीक है ना याद रखिएगा एक बार सेशन को लाइक कीजिए थोड़ी एनर्जी आज कम लगे हाँ पहले तो बी बताए थे सर कब बी बताए थे अच्छा बाएं दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता तो है क्लियर है लेकिन ये वाला रिवाज है नहीं आवर को इस तरह से पढ़ा नहीं जाता है पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है ये चार ऑप्शन देखिएगा पहला पूछा है अधातुओं के ऑक्साइड क्षारिय होते हैं क्या लिखा है अधातुओं के ऑक्साइड क्षारिय होते हैं अब देखो अगर हम अधातु के ऑक्साइड बोले ना अधातु के ऑक्साइड तो अधातु के ऑक्साइड कैसे दिखाई देंगे आपको ये हमेशा अम्लीय होंगे हमेशा कैसे होंगे अम्लीय जैसे सीओ टू एनओ टू एसओ टू एसओ टू क्या बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड एनओ टू क्या बनाता है नाइट्रिक एसिड और सीओ टू क्या बनाता है बाइकार्बोनिक एसिड ठीक है यहां पर पूछा हुआ है तो यहां देखेगा हाँ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते ये सही है ठीक है धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं गलत हो गया यह भी गलत हो गया एक बी ऑप्शन सही।, सही है अच्छा इसमें और भी बात आती है उभयधर्मी धर्मी भी आते हैं तो कोई उभयधर्मी धर्मी ऑक्साइड का नाम बताएगा उभयधर्मी धर्मी धर्मी ऑक्साइड कौन से होते उभय धर्मी तो उभयधर्मी धर्मी ऑक्साइड जो होते हैं ना इनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो SnO2, AlO2, एल टू ओ थ्री जेड एन ओ ये तीन ठीक ना तीन याद रखिएगा। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वैसे जब राकेट उड़ेगा ना तो वो न्यूटन के तृतीय नियम पर न्यूटन के गति का तृतीय नियम वो न्यूटन के गति का किस नियम पर आधारित होगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम और न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होगा ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और इसी को हम क्या कहते हैं हाइड्राजीन कहते हैं क्या कहते हैं इसी को हम लोग हाइड्राजीन बोलते हैं ठीक है और ये ये हाइड्रोजीन क्या है तो ये रॉकेट प्रोपेलेंट है इसको हम कहते हैं जो हवा है, रॉकेट के अंदर ईंधन के तौर पे ईंधन के तौर पे जो भरे जाते हैं और वैसे एल्कोहल में ईंधन के तौर पे इथेनॉल भरे जा रहे इथेनॉल आजकल आप पेट्रोल लेने जाते होंगे तो इथेनॉल एडेड या मेथेनॉल एडेड पेट्रोल लेते होंगे है ना हाँ चलिए पूछा है आलू किसका उदाहरण है ये देखिएगा बड़ी प्यारा सवाल पूछा है चार ऑप्शन पूछा है अच्छा बल्ब में ना बल्ब में प्याज आ जाता है प्रकंद में हल्दी आता है हल्दी और अदरक आता है जो मृदा के समानांतर बहते समानांतर ग्रो करते हैं घन कंद में जमी कंद आता है और ये आलू आता है कंद में ये सब तना है सभी के सभी क्या है तना है और तना की खासियत क्या होती है तो तना की खासियत होती है कि तना पर कच्छस्त कलिकाएं मिलती है तना पर क्या मिलती है कच्छस्त कलिकाएं तो तना में कच्छस्त कलिकाएं मिलती है आगजिलरी बर्ड मिलती है आगजिलरी बर्ड ठीक है कच्छस्त कलिकाएं मिलती है यहां पर पूछा हुआ है कि पौधे का कौन सा भाग केसर देता है पौधे का कौन सा भाग केसर देता है एक और सवाल आता है कौन सा भाग लौंग देता है तो जो लौंग होता है वो इनफ्लोरेसेंस है वो पौधे का क्या इनफ्लोरेसेंस है ठीक ना? ओके। लेकिन जो केसर देने की बात आ रही है वो क्या होगा जड़ होगा तना होगा पंखुड़ी होगा कि क्या होगा यहां देखिएगा स्टिग्मा का मतलब होता है वर्तिकाग्र वो वर्तिकाग्र होता है वर्तिकाग्र रंध्र तो नहीं बोलते लेकिन स्टिग्मा बोलते वर्तिकाग्र बोलते ठीक है पंखुड़ी का मतलब होता है देखिएगा पंखुली मतलब पेटल्स होता है पेटल्स वो नहीं होता पेटल्स में और इसमें अंतर है देखिए ये फूल है ये पेटल्स है पेटल्स एक फूल में ये वाले पेटल्स होते हैं जो रंगीन होते हैं ये पेटल्स होते लेकिन वर्तिकाग्र का मतलब ये है ये वर्तिकाग्र है ये ये वाला भाग वर्तिकाग्र है, और ये आपका पंखुड़ी है तो पंखुड़ी और वर्तिकाग्र में बहुत बड़ा अंतर है गलती ना कीजिएगा ठीक है निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते ये सारे वो सवाल है जो आपके सिलेबस के हिसाब से लाए गए थे हाँ रवि गुप्ता जी नमस्कार भाई साहब क्या हाल चाल सब बढ़िया पूछा गया कौन सी पत्तियां देखो कुछ ऐसे पत्तियां होती है जो सारे कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो साल में पत्तियां गिरा देते हैं और जो पत्तियां गिरा देते हैं वो पर्णपाती होते हैं क्या होते हैं पर्णपाती होते हैं या शंकुधारी होते हैं सदाबहार तो हमेशा उनके पास पत्तियां होती हैं ठीक ना तो यहां पर सदाबहार होगा या पर्णपाती पर्णपाती वृक्ष होंगे ऑप्शन नंबर एक होगा शंकुधारी जो होते हैं पहाड़ों पर पाए जाते हैं शंकुधारी ठीक ना पूछा है रुधिर क्या है रुधिर इस चार में से एक जवाब दीजिएगा वैसे अगर हम बोले संयोजी उत्तक का उदाहरण बोले तो संयोजी उत्तक दो प्रकार के होते एक ठोस होता है और ठोस में हड्डी आ जाएगा बोन और द्रव में क्या आ जाएगा या तरल में क्या आ जाएगा तरल में आ जाएगा ब्लड या लिम्फ ठीक है तो यहां पर संयोजी उत्तक आएगा ठीक है अब पेशीय उत्तक तीन प्रकार के होते हैं रेखीय अरेखीय रेखीय होते एक अरेखीय होते ये पेशीय उत्तक है और एक हृदय उत्तक होते हैं कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है बताइए कौन सी धातु ऐसी है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो यहां पर किसको चुनेंगे जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है चारों में से तो यहां देखो ऐसे केदारनाथ का मंगल आलू जरा फीका पकाता है कोर्ट हाई आगे आओ इन ये लेस रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव है कम क्रियाशील है लेस रिएक्टिव तो लेस रिएक्टिव है तो ये क्या होंगे लेस रिएक्टिव है तो इसमें कापर दिया हुआ है कापर देखो जिंक तो ऊपर है जिंक तो क्रिया करेगा यहाँ पे कापर ठीक है लोगों को जिंक लगेगा लेकिन कापर होगा लेड लेड देखिएगा यहां पर है लेड लेड इससे ज्यादा क्रियाशील है आप खुद देखिए यह पूरी क्रियाशीलता का क्रम है सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड लेड ज्यादा है ठीक ना? तो कम क्रियाशील जो होगा वही मुक्त अवस्था में पाया जाएगा ठीक है देखिए अकार्बनिक गैस की बात किया अकार्बनिक गैस जिसमें कार्बन ना हो कौन अकार्बनिक गैस नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ होता है मेथेन सी एच फोर होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड एच टू एस है और अमोनिया अमोनिया ये है NH3 थ्री तो अमोनिया तो अकार्बनिक है हाइड्रोजन सल्फाइड भी अकार्बनिक है लेकिन मतलब क्या कहना चाह रही देखिए बात यह होता है ना जिसकी क्रियाशीलता कम होती है वही मुक्त अवस्था में पाया जाएगा जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी वो अभिक्रिया करेगा रिएक्शन करेगा वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा इसीलिए सोना मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं चांदी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं कापर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं तो यहां पर पूछा हुआ है कि भैया कार्बन मोनोऑक्साइड अकार्बनिक है यहां पर अकार्बनिक नहीं है मेथेन मेथेन क्या है कार्बनिक है मेथेन कैसा है कार्बनिक है कैसा है कार्बनिक है याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है इस चारों में से एक सही नहीं देखिए एलगी के बारे में यहां पूछ रहा है और एलगी का मतलब होता है सहवाल और जो सहवाल है ना सहवाल वैसे हमने आपको बताया था कि थैलो फाइटा संख्या मेंबर होते हैं जड़ तना पत्तियां नहीं होती हैं जड़ न जड़ होता है न तना न पत्तियां सहवाल सैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी क्या कहलाता है इसमें न जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती तीनों नहीं पाई जाती है और देखिएगा रोडोफाइसी जो होते हैं ना रोडोफाइसी रोडोफाइसी लाल होते हैं तो फियोफाइसी आपके लाल नहीं होंगे रोडोफाइसी कैसे होते हैं लाल होते हैं फियोफाइसी ब्राउन होते हैं और क्लोरोफाइसी आपके ग्रीन होते हैं तो फियोफाइसी क्लोरोफाइसी ग्रीन होते हैं सही है क्लोरोफाइसी जब भी देगा तो क्लोरोफाइसी आपके कैसे होंगे ग्रीन और फियोफाइसी कैसे होंगे ये आपके ब्राउन होंगे भूरा ये भूरा सहवाल होंगे ठीक ना भूरा सहवाल तो कौन सा सही नहीं है तो फियोफाइसी आपका भूरा दे रहा है सही है क्लोरोफाइसी हरा दे रहा है सही है रोडोफाइसी लाल दे रहा है सही है कौन सा सही नहीं है तो आपका फियोफाइसी लाल से वाले अब ये सवाल देखिएगा बड़ा प्यारा सवाल ये भी पूछा हुआ है उच्चतम आयनन ऊर्जा पूछा आयनन ऊर्जा क्या है तो किसी तत्व के बाह्य कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा तो जो सबसे स्थायी होगा इसमें सबसे स्थायी तत्व क्या है तो सबसे स्थाई तत्व इसमें से हीलियम है क्या है सबसे स्थायी तत्व हीलियम और जो सबसे स्थायी तत्व है इसी की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी सबसे ज्यादा आयन ऊर्जा किस में सबसे ज्यादा आयन ऊर्जा तो हीलियम में सबसे ज्यादा आयन ऊर्जा हीलियम में ठीक है।, है और यही सबसे स्थायी है सबसे हल्का कौन है तो सबसे हल्का कहा जाए तो आपको बोलना है हाइड्रोजन को सबसे हल्का सबसे छोटा तत्व सबसे छोटा तत्व ये दोनों है सोडियम जो है वायु से क्रिया कर लेता है वायु से क्रिया कर लेता है आग पकड़ लेता है लिथियम सबसे छोटा धातु है सबसे छोटा धातु है इसका सही जवाब हीलियम। ठीक है चलिए आगे चले पूछा है निम्नलिखित में से किसका हृदय युक्त होता है सिरा का मतलब हां किसका युक्त हृदय जो है युक्त होता है बताइए सिरा से जुड़ा हुआ होता है वैसे स्तनधारी में ना फोर चैम्बर पाए जाते हैं हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं फोर दो अलिंद और दो नीले मछलियों में दो ही चैम्बर हैं, दो चैम्बर। एक अलिंद है और एक नीले एक अलिंद एक नीले वन एट्रियम वन वेंट्रिकल और इन दोनों में तीन चैम्बर है तीन चैम्बर जिसमें दो अलिंद है और एक नीले है वैसे इस सवाल का सही जवाब मछलियां होंगी मछलियों के हृदय जो होंगे वो सिरायुक्त तो होते हैं मछलियों के हृदय कैसे होते हैं सिरायुक्त तो होते हैं ध्यान दीजिएगा ठीक है अगला सवाल पूछा है एडमैसिया ये देखेगा इस सवाल का जवाब आपको देना है एडमैसिया पेंटियोला किस संघ के उदाहरण है देखिए इसका जवाब आप क्या देंगे इसका जवाब थोड़ा ध्यान से सुनिए एसके हेलमेंथिस संघ का जानवर जो होता है एस्कैरिस होता है एस्कैरिस आर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है एनिलीडा केचुआ इसमें पाया जाता है केचुआ तो यहां पर सिलेंट्रेटा होगा ये कीट का संघ है सारे कीट इसी में पाए जाते हैं आर्थोपोडा में टिड्डा हो गया सारे के सारे कीट किस में पाए जाते हैं इसी में पाए जाते सिरा सिरा मैन बेबी होता है देखिए अंतर है मैंने आपसे कहा इस सवाल में क्या लिखा है हृदय युक्त तो होता है हृदय में ही सिरा मैंने हृदय होता है ठीक है ये थोड़ा अलग लेवल है यहां पर पूछा है किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है इस चार ऑप्शन दिए हुए अब देखिएगा अगर ईंधन की बात करते हम न्यूक्लियर रिएक्टर में तो हम यूरेनियम 235 की बात करते अगर हम बात करते कि इसका सिद्धांत क्या है तो नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत है क्या सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत पर आधारित है विखंडन में भारी नाभिक छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं और यहां पर अगर शीतलक की बात करते तो शीतलक के तौर पर हम भारी जल का प्रयोग करते हैं लेकिन अगर हम मॉडरेटर का बात करें मॉडरेटर तो मॉडरेटर के तौर पर ठीक ना या कंट्रोलर के तौर पर हम ग्रेफाइट की छड़ लगाते हैं नहीं तो कैडमियम की छड़ लगाते हैं कैडमियम की छड़ लगाते हैं ठीक ना तो यहां पे सही जवाब कैडमियम होगा और 1986 में एक चेरनोबिल यूक्रेन में यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में चेरनोबिल शहर में यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में क्या हुआ था नाभिकीय रिएक्टर का हादसा हुआ था नाभिकीय रिएक्टर का हादसा हुआ था ठीक है तो ये सब बातें ध्यान दीजिएगा जैसे मृदा कभी कभी अम्लीय हो जाती है हाँ बिल्कुल उन्नीस बर्लिन वाले दोस्त बिल्कुल यहां पर कहे अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करना है मृदा अम्लीय हो चुकी है अब इसको उदासीन कैसे करेंगे तो आप कहेंगे सर जी मृदा अम्लीय कैसे हो सकती है अम्ल वर्षा से हो सकती है अम्ल वर्षा से हो सकती है या अधातुओं से हो सकती है अधातु से इससे मृदा क्या हो जाएगी अम्लीय हो जाएगी मृदा अम्लीय हो गई अब मृदा अम्लीय होने का मतलब है कि इसका पीएच जो है सात से कम है तो इसके पीएच को सही करने के लिए हम क्या करेंगे बिना बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना के साथ इसको क्या करेंगे बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना दोनों के साथ हम क्या करा देंगे क्रिया करा देंगे कोई डाउट तो नहीं है ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं पूछा है स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं स्टेनलेस स्टील में क्या जवाब देंगे मैंने आपसे कहा भी था यहां पर यह याद रखिएगा ट्रिक फिकर नहीं करो फिकर में आयरन हो गया क्रोमियम हो गया निकिल हो गया और कार्बन हो गया फिकर नहीं करो फिकर नहीं करो तो देखो फिकर में अब देखो यहां पर वो कार्बन है तो है निकिल है तो है कार्बन और निकिल है क्रोमियम है तो है और एक आपके पास मैग्नीज है एम एन है मैग्नीज भी है अब देखो यहां पे कैसे हम लोग सारा होना चाहिए एक दो तीन दो तीन चार एक तीन चार सभी तत्व यहां पर मैग्नीज भी होना चाहिए तो इसका सही जवाब डी है ठीक ना मैग्नीज भी मैग्नीज भी होता है इसमें ठीक ना मैग्नीज भी होता है चारों के चारों उपस्थित होंगे जबकि यह सवाल देखिएगा अच्छा ये पूछा हुआ है अभी आइडियल गैस के लिए पूछा हुआ है आइडियल गैस के लिए क्या होगा वैसे आप जानते हैं गैसों के लिए एक नियम होता है बायल का नियम एक नियम होता है चार्ल्स का नियम बायल का नियम और चार्ल्स का नियम तो बायल के नियम में हम बात करते हैं यानी तापमान नियत होता है ठीक ना और यहां पर आयतन दाब के व्यक्रमानुपाति होती है चार्ल्स के नियम में दाब नियत होता है चांद की बात करते हैं दस दाब नियत तो आयतन तापमान के समानुपाती होता है तो यहां पर क्या होगा कोई बताएगा हाँ हाई प्रेशर होगा कि हाई टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर होगा लो प्रेशर होगा बी ऑप्शन सही कर दे बी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर बिल्कुल इसको लगा दीजिएगा सही ठीक ना आइडियल गैस के लिए ठीक है आइडियल गैस का समीकरण क्या होता है तो पीवी बराबर आइडियल गैस का समीकरण होता है आदर्श गैस का समीकरण होता है, है. पूछा है जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है अब जल कितने डिग्री टेम्परेचर पे जम गया जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो जल देखेगा चार डिग्री सेंटीग्रेड पर चार डिग्री सेंटीग्रेड पर ये चार डिग्री सेंटीग्रेड है और इधर घनत्व तो है तो जल का घनत्व तो चार डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्यादा होता है लेकिन चार तो डिग्री सेंटीग्रेड से कम जाएंगे तो घनत्व तो घटता तो तो है तो चार तो डिग्री सेंटीग्रेड की तो बात ही नहीं किया है कह रहा है कि जब जल घट जाता है ठीक है तो आप क्या कहेंगे चार डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा घनत्व है सबसे ज्यादा घनत्व तो मेरे हिसाब से तो ये होने वाला है आपको इस सवाल का जवाब लग रहा होगा बढ़ता है बी तो ये क्या होगा आपको लगेगा तो यह कैसे जल में इसका सही जवाब देता पहले बढ़ता है फिर घटता है इसका सही जवाब क्या देना चाहिए था पहले बढ़ता है फिर घटता है तो चार डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा है लेकिन जा, कम जाने पर इसका तापमान अच्छा अगर इसका तापमान जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जी बढ़ता है अगर बर्फ का घनत्व तो बढ़ जाता तो बर्फ पानी में क्यों तैरता बर्फ का घनत्व तो अगर बढ़ जाए तो बर्फ पानी में क्यों तैरेगा कोई बताए बर्फ पानी में तो तैरता है इसका मतलब इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा घट जाएगा बर्फ पानी में तैरता है तो इसलिए उसका बर्फ क्या हो जाता है घट जाता है क्लियर अब बात समझ में आई यहां से करिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड कैसा है तो एक हाइड्रोजन है और एक क्लोराइड है तो द्वि है त्रिपरमाणुक में ओजोन है बहु परमाणुक में सल्फर है फास्फोरस है यहाँ पे फ्लोरीन है क्लोरीन है नाइट्रोजन है ये द्वि आएंगे पूछा वैद्युत परिपथ में धारा को सीमित करने के लिए अब किसी परिपथ से धारा को सीमित करने के लिए हम किसका सिद्धांत इसमें प्रयुक्त करेंगे तो आप जानते हैं कि जूल का नियम है आई स्क्वायर आर इंटू टी जूल का नियम और यहां पर ये यह चालक यहां पर क्या हो जाएगा फ्यूज यहां पर क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा ठीक है चलिए अगला सवाल है किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं ठीक है पत, किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो यहां पर देखिएगा तालाब में जल के पृष्ठ पर पूछा है अच्छा जल में पूछा होता कि जल में कौन सा होता तो जल में आंसर हो जाता आपके पास सी अनुधैर्य और अनुप्रस्थ दोनों लेकिन पृष्ठ पर पूछा है तो पृष्ठ पर श्रृंग और गर्त बनेगा यानी अनुप्रस्थ बनेगा ध्यान से देखिए बड़ा कमाल का सवाल था ये लाजवाब सवाल था क्या पूछ लिया था कि तालाब में जल के पृष्ठ पर तो जल के पृष्ठ पर श्रृंग और गर्त बनेगा जबकि अगर जल में पूछा होता तो जल में दोनों होता भारती साजिदा बिल्कुल गोविंद ठीक ना दोनों होता यहां पर ये बातें आएंगी अगला सवाल देखते हैं फेरिड किसकी काई है ऐसे सवाल आते हैं हेनरी किसकी काई है हेनरी फैरिड फैरिड महो किसकी इकाई है बताइए ये आपको बताना है बताइए कौन तीनों किसकी इकाई है तब तक हम थोड़ा जल ग्रहण करें किसकी इकाई है फैरिट धारिता की और धारिता का फार्मूला होता है सी बराबर क्यू अपॉन बी प्रतिरोध का ओम होता है चालकत्व तो का ही क्या होता है महो होता है और प्रेरकत्व का ओम मीटर होता है तो सारे के सारे मात्रक तो यहां पे है बस हेनरी जो है किसका है तो प्रेरकत्व का है एक मिनट एक प्रेरकत्व का हेनरी होता है बाबू हेनरी ठीक ना प्रेरकत्व का क्या होगा हेनरी हेरिड है धारिता का ठीक है और ये चालकत्व का है यहां पर एक सवाल पूछा है क्या पूछा है क्वेश्चन में जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं अब देखिए उच्च ताप पर विद्युत का वहन करेंगे निम्न ताप पर नहीं करेंगे तो क्यों उच्च ताप पर कर रहे हैं क्योंकि बॉन्ड टूट जा रहा है अगर किसी अर्ध में बॉन्ड टूट जाए तभी वो चालक बनेगा सिलिकॉन सिलिकॉन का जर्मेनियम जर्मेनियम का इनका बांड टूट जाए इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए तभी ये विद्युत का चालन करेंगे इसका मतलब है इसका सही जवाब क्या होगा अती चा, अती चालक में प्रतिरोध ही जीरो होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जीरो मान लेते हैं अति चालक सुपर कंडक्टर बोलते सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध क्या होता है जीरो होता है जीरो होता है ठीक है तो यहां पर अर्ध चालक होता है सिलिकॉन जर्मेनियम इज द राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव फोटान की कड़ बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है फोटान के कण बनने की प्रवृत्ति विवर्तन ध्रुवीकरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसमें करंट कभी रह जाएगा सुपर कंडक्टर में तो जाएगा ही और अर्धचालक में भी जाएगा तो किसमें नहीं जाएगा कुछ भी ज्ञान दे देते हो हाँ यहां पर पूछा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन बताए थे कौन बताया था भाई अल्बर्ट आइंस्टीन ठीक ना कौन बताया था भैया प्रीति संदीप जी हां यहां पर देखिए व्यतीकरण का मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना विवर्तन है नहीं यहां पर प्रकाश का अध्यारोपण है प्रकाश का अध्यारोपण देखिए फोटान की कण बनने की प्रवृत्ति ध्रुवीकरण विवर्तन और व्यतीकरण किससे संबंधित है तो उम्मीद है आप लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव दी है और यही कहता है कि जो फोटान होता है ना वही वर्क क्रिया माने वर्क फंक्शन और गति ऊर्जा में खर्च होता है क्या नहीं समझे इस बात को इसको हम कहते हैं कार्य फलन वर्क फंक्शन और इसको हम कहते हैं गति ऊर्जा यानी एक लोहे की चादर पर प्रकाश गिरा देना तो प्रकाश गिरा दें तो वो प्रकाश जो होगा वो पहले जाके इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाएगा और फिर क्या करेगा वहां पर गति ऊर्जा उत्पन्न करेगा यानी एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट हाफ एम बी स्क्वायर होगा यहां पर पूछा है कि पी तथा एन दो प्रकार के अर्ध चालक है क्या दिया हुआ है एक पी अर्ध चालक है और एक एन अर्ध चालक है तथा एन के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो पीएन डायोड बनाते हैं वह किस रूप में काम करता है संधि बनाते हैं, किस रूप में काम करता है तो देखिएगा एम्पलीफायर के रूप में नहीं काम करेगा काम करेगा वो रेक्टिफायर के रूप में काम करेगा, करेगा। किसके तौर पे, पे काम करेगा रेक्टिफायर यहां पर सही जवाब आपका रेक्टिफायर होगा क्यों क्योंकि पीएन डायोड से ही हम हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं ठीक ना और रेक्टिफायर क्या करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर क्या करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है अब देखिएगा विद्युत अपघट जो होता है बिलियन की विधि वायुमंडलीय दाब तनुता और अशुद्धता अब विद्युत अपघट की असंलग्नता जितनी ज्यादा अशुद्धि यहां पर अशुद्धि की बात आएगी या तनुता की बात आएगी लेवल ऑफ डिसोसिएशन तो लेवल ऑफ डिसोसिएशन किस पे निर्भर करेगा हम्म <laughs> देखो मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी ये तो होगा नहीं इंप्यूर्टी, किसकी इसको तो, तो क्लियर ही नहीं किया है डाइल्यूशन ही एक ऑप्शन में दिख रहा है वैसे करना चाहिए था ताप लिखना चाहिए था टेम्परेचर लिखना चाहिए था ठीक ना यहाँ पे टेम्परेचर का मामला होना चाहिए था अशुद्धता देखो विद्युत अपघट्य मतलब अमोनियम क्लोराइड तो अमोनियम क्लोराइड तो अपने आप में शुद्ध होगा ना तो यहाँ अशुद्धता की बात तो नहीं आएगी मुझे पहले लगा था लेकिन यहाँ पे तनुता आएगा विद्युत अपगढ़ जैसे एनएसएल है पानी मिलाओगे यानी तनु कर रहे हो तनुकरण की प्रवृत्ति आएगी और जब तनुकरण करोगे तो ये आयनों में बटेंगे विद्युत धारा को ले जाने की प्रवृत्ति आएगी पूछा है मादा एनाफिलीज क्या पूछा है मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है तो क्या बताओगे मादा एनाफिलीज एनाफिलीज की बात कर रहा है देखो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होते हैं ना ये वाहक है वाहक और किस रोग के वाहक है ये मलेरिया के वाहक है मलेरिया के वाहक है और मलेरिया के वाहक है तो यहां पर ये यह हो जाएगा ठीक है मलेरिया के वाहक मादा एनाफिलीज वैसे क्यूलेक्स क्या होगा क्यूलेक्स फाइलेरिया होगा क्यूलेक्स क्या होगा फाइलेरिया होगा और ऐसे ही एक मच्छर होते हैं एडीज एजिप्टी आप डेंगू बताते हैं डेंगू के अलावा चिकनगुनिया है जीका है ये सारे जीका वायरस ये सब यही फैलाने का काम करते हैं और टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफी से और डेंगू भी विषाणु से होता है विषाणु जनित रोग है ठीक है चलिए हैजा विब्रियो कालरी नाम के बैक्टीरिया से होता है किसमें कोई सिल्वर नहीं है किसमें कोई सिल्वर नहीं है हार्म सिल्वर लूबी सिल्वर और लूनार कास्टिक देखो बाकी के बारे में ना पता हो इसके बारे में पता रखना इसको हम कह याद कराए थे कजनी के नाम से कजनी मतलब कापर जिंक और निकिल इसी को हम कहते हैं जर्मन सिल्वर ऐसा सिल्वर है जिसमें ऐसा सिल्वर है जिसमें जीरो परसेंट सिल्वर होता है ठीक है और ये आखिरी सवाल है पूछा हुआ है जिस फिल्टर पर सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं जिस फिल्टर पर सीवेज डाला जाता है उस पर क्या कहते हैं अंत श्रावी फिल्टर इंडोक्राइन फिल्टर संपर्क स्तर कॉन्टेक्ट ट्रिकलिंग फिल्टर और इंटरमीडिएंट सैंड फिल्टर क्या होगा एक जवाब दीजिएगा कजनी कॉपर जिंक निकल हा क्या बनेगा भाई इसका सही जवाब क्या चुनेंगे आखिरी सवाल जल्दी बताइए डी देखिएगा अंत स्रावी और संपर्क स्तर नहीं आएगा ट्रिकलिंग फिल्टर और देखिए ये जो रिसाव फिल्टर होते हैं और ये इसमें से मेन यही फिल्टर है आपका सही जवाब आपका ए होगा इंटरमीडियंट सेंड फिल्टर वैसे सीवेज को अगर इसमें गिरा देंगे तो भैया ये जाम हो जाएगा चोक हो जाएगा ठीक है चलिए मिथिला आप जानते हैं 12 अक्टूबर की रात आठ बजे एक जबरदस्त श्रृंखला आ रही है आप सभी को आना है 12 12 अक्टूबर की रात आठ बजे सभी लोगों को आना है मिथिला बिहार एसएससी पुलिस और अदर के लिए एक अनोखी शुरुआत हो रही है एक अनोखी पहल है जो बड़ा सरप्राइज है आप सभी को रहना है और बिल्कुल जाके अभी इस इवेंट को लाइक कर देना है लाइक जरूर करना है कुछ भी हो जाए ठीक ना क्योंकि आपको याद हो पता चल जाए नोटिफिकेशन ये आपका कौटिल्य बैच है जो आप जानते हैं कि कौटिल्य बैच जो बेहतरीन एक बैच है बिहार एसएससी के लिए जिसमें क्लासेस शुरुआत हो चुकी है साइंस की अलग अलग समय पे अलग अलग सब्जेक्ट की रीजनिंग की तो वैसे ये आपके लिए बेहद जरूरी क्लास है इसके अलावा अगर हम बात करें अगर आपने एम डी क्लासेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है तो आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए ठीक ना ये आप जाकर गूगल प्ले स्टोर पे एम डी क्लासेज ऑफिशियल नाम से सर्च करेंगे नाम नंबर रजिस्टर करेंगे और यहाँ पे आप पेड कोर्सेज में जा सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन में जाएंगे फ्री वीकली टेस्ट में टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारी चीजें यहां पर मिलने वाली है फ्री में उपलब्ध है पेड वाली अलग चीजें लेकिन फ्री वाली चीजें भी यहां पर उपलब्ध है आपके पास ठीक है तो आज बस इतना ही एमडी क्लासेज का अगर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं, नहीं सर्च किया है तो इसको सर्च कीजिए और जुड़ जाइए एम डी क्लासेज के ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक से ठीक है? और मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना है तो अभी से एक सर एमडी क्लासेस सर्च कर लीजिएगा वहाँ से जुड़ जाएंगे आज बस इतना ही थैंक यू सो मच